अन अकेडमी। क्या नाम है आपका? अनु सिंह। अनु सिंह, सो अनु कैसा रहा है एग्जाम? एग्जाम ठीक था, मॉडरेट था। मॉडरेट था, ओके। और अगर पेपर पैटर्न की बात करें, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस के, कितने क्वेश्चन थे और कितने इजी, कितने मॉडरेट थे? क्वेश्चन तो रीजनिंग इजी थी और मैथ्स में शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन बाद में मतलब हो गया था। ओके, पहला अटेम्प्ट था आपका ये? नहीं, ये मेरा सेकंड था। ओके, तो कितना डिफरेंट लगा पहले वाले से और सेकंड वाला? पहले वाले से मतलब पहले वाले जैसा ही था, सेम। ओके, क्या लगता है कितना कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ तो लगभग 115 से 120 के लगभग जाएगा। 115 से 120। हाँ। ओके, और कोई अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली मैथ्स में अगर बात करें तो? मैथ्स में तो प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज से आया था और रेशियो से आए थे, मतलब नॉर्मल वही। जो कोई क्वेश्चन आपको याद हो जो आप बता पाएं? क्वेश्चन ऐसे तो सर याद नहीं है। ओके, जीएस की अगर बात करें? जीएस हाँ ठीक थी, जीएस इंग्लिश से थोड़ी हार्ड थी। जीएस इंग्लिश से थोड़ी हार्ड, इंग्लिश इजी थी। जीएस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक और डायनेमिक को लेते, करंट को लेते हुए बात करें तो? सर करंट अभी याद नहीं आ रहा। करंट बेसिकली है किस पे, मतलब स्पोर्ट्स पे बेस है, आईआर पे बेस है, कि जो अभी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उस पे बेस है करंट जो आ रहा है? सर करंट का याद नहीं आ रहा। चलो अच्छा, कोई इशू नहीं। और साइंस को लेके बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, किसके क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं? सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सर याद नहीं आ रहा। चलो अच्छा ठीक है, नो कोई इशू नहीं, थैंक यू। क्या नाम है आपका? विनीश। विनीश, कैसा रहा एग्जाम? बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब इजी था पूरा, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट के बीच में रेट करेंगे। कौन सा अटेम्प्ट है आपका, पहला कि दूसरा? नहीं पहला है एमटीएस में, तो पहली बार दी। ओके, इसके अलावा भी कोई एग्जाम्स दिए हैं पहले कभी गवर्नमेंट के? दिए हैं, एक सीजीएल में ट्राई किया था पहली बार और एक दिल्ली पुलिस में दिया। ओके, सीजीएल के कंपैरिजन में अगर बात करें तो आपको इजी लगा है? हाँ हाँ बहुत। ओके, एमटीएस का पहले भी कभी दिए थे कि एमटीएस के लिए पहला है? पहली बार दिया। ओके, एमटीएस के लिए पहली बार है। अगर पेपर पैटर्न को लेकर बात करें तो कैसा रहा पेपर पैटर्न? पैटर्न मतलब बहुत आसान था, लगा नहीं था कि मैं इतना कर लूँगा, लेकिन पूरा ऐसा लग रहा है कि हम कंप्लीट जो आता था सब कुछ किया है। ओके, तो किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली? नहीं मतलब टॉपिक वाइज अगर बात करें, मैथ्स में क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा थे, रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा थे? रीजनिंग में वो होता है एक जो मतलब राउंड टेबल के आसपास बैठे हुए पजल बेसिकली, सीटिंग नंबर होते हैं, नंबर से वो सीटिंग अरेंजमेंट की पजल, और मतलब वो नंबर वाइज जैसे ए बी सी डी वाले वो सब में कोडिंग डिकोडिंग डिकोडिंग वो सब मुझे ना। क्या नाम है आपका? गुनिका। गुनिका, कैसा रहा एग्जाम? वेरी गुड। ओके, पेपर पैटर्न को लेकर अगर बात करें कैसा, इजी था, डिफिकल्ट था? इजी था सर, बट करने के ऊपर था, जिसने प्रैक्टिस की होगी वही कर पाएगा। ओके सर, आपका प्रैक्टिस था तो इसलिए आपको इजी लगा है। श्योर सर। तो एमटीएस पहले अटेम्प्ट है आपका कि इसके पहले भी कोई एग्जाम दिए हैं? फर्स्ट टाइम। ओके, तो पेपर अभी कैसा आ रहा है टॉपिक वाइज अगर बात करें? सो एग्जैक्टली तो एमसीक्यू में टाइम बहुत कम लगता है बच्चों को, तो इसलिए कई बार कई स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। ओके, सो मैथ में अगर बात करें कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए? मेन रेशियो आए थे और परसेंट्स में आए थे। ओके, रेशियो एंड परसेंटेज में क्वेश्चन आए थे, कुछ एग्जांपल आपको याद है कैसे क्वेश्चन आए थे रेशियो एंड परसेंटेज में? मतलब कि इतने जैसे किसी एक पर्सन ने इतने रेशियो में फ्लैट परचेज किया है तो सेकेंड के कितने अमाउंट रहेगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, वैल्यू कंपेरिजन एक तरीके का बोल सकते हैं। और परसेंटेज में कैसे आ रहे हैं? परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस के अकॉर्डिंग आए थे। ओके, एसआई और सीआई भी आ रहा है मतलब? यस आरबीआई। ओके, और जीएस में बात करें, जीएस कैसी है, स्टैटिक और करंट कितना आ रहा है पेपर में? उसमें बेसिकली हमारे जैसे पूर्वज वगैरह होते हैं तो उनके बारे में पूछा गया था। ओके, एंशियंट हिस्ट्री एक तरीके की कह दें या जैसे अकबर वगैरह। ओके, ये तो मिडिवल हिस्ट्री में फिर आ गया। और पॉलिटी कैसी रही? पॉलिटी वेरी गुड थी, बट थोड़ी मतलब बच्चों के लिए तो टफ थी। ओके, और हिस्ट्री कितने क्वेश्चंस रहे हिस्ट्री के? मैक्सिमम 10 to 15। ओके, 10 to 15 क्वेश्चंस। ओके, तो क्या मतलब आपने कहा पॉलिटी के 10 to 15 क्वेश्चंस? एंड साइंस कितने क्वेश्चन? साइंस के कितने क्वेश्चन थे उसमें? साइंस के 10 थे। 10 थे। और फिजिक्स ज़्यादा है 10 क्वेश्चंस में कि केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन? केमिस्ट्री। ओके, तो केमिस्ट्री बेसिकली कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, केमिकल एंड कंपाउंड नेम पे आ रहे हैं? आयोडीन, आयरन, लाइक। ओके, और डिसीज बेस्ड होंगे कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी में? ओके, कुछ आइडिया आपको कि कौन से डिसीज या किस तरीके का पूछा जा रहा है पेपर? सो ऐसा तो आइडिया नहीं था एक्चुअली, बहुत कम क्वेश्चन आए थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, इंग्लिश कैसी आ रही है? इंग्लिश भी ईजी है, बट मेन ये पूछा जाता है कि स्पेलिंग में मिस इनकरेक्ट कौन सा वर्ड है वो सिलेक्ट करो, अपोजिट वर्ड्स आए थे।
ओके एंटोनिम्स सिनोनिम्स एंड स्पेलिंग एरर ये पूछा जा रहा है ज़्यादा ओके और रीअरेंजिंग ऑफ वर्ड्स ये नहीं है पैरा जम्बलिंग नहीं है रीजनिंग कैसी रही रीजनिंग में क्या टॉपिक ज़्यादा पूछा गया है रीजनिंग में पूछे गए थे कि अगर एक सर्कल में कोई कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं उनमें से उसका फेस किसकी साइड होगा सिटिंग अरेंजमेंट बेस है कोडिंग डिकोडिंग या नंबर रो इस पे कोई क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली किस पे टॉपिक कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए इतना मैंने माइंड नहीं किया एक्चुअली कुछ भी हुई है तो इसलिए ओके थैंक यू वनिका थैंक यू